नमस्कार, आप देख रहे हो उदित्राज न्यूज। मैं आपके लिए आज लखनऊ के विजय पुलिस लाइन जहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट का प्रथम स्थापना दिवस है, तो आइए लेकर के चलते हैं कि आज प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस की एक वर्ष की क्या क्या उपलब्धियाँ रही, उसके बारे में उनका क्या कहना है और आगे उनके सामने कौन सी चुनौतियाँ आने वाली हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है, तो आइए लेकर के चलते हैं हम आपको प्रथम स्थापना दिवस पर, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट के सभी मुख्य आरक्षी बुलाए गए हैं, जहां पर कई आरक्षियों को पदोन्नति भी किया गया है, तो वो पूरा विस्तार से जानेंगे। तो आइए चलते हैं कि आप एक वर्ष की उपलब्धियां और एक वर्ष की चुनौतियां, इन दोनों को मिलाकर के हम देखेंगे कि किस तरीके का वहाँ पर जो आयोजन है उसका क्या मुख्य उद्देश्य है और क्या उसमें सामने निकल कर आता है। आइए लेकर चलते हैं। जिला मजिस्ट्रेट के पावर पुलिस आयुक्त में निहित किए गए और सभी अधिकारियों को उनके साथ एस्टेट ऑफिसर्स को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर दिए गए। बहुत सी चुनौतियां थी, एक परिकल्पना थी जिसको साकार करना था और उसमें सभी लोगों को नए सिरे से काम करना था। नई व्यवस्था थी, नई प्रणाली थी, अधिकारियों ने सभी जगहों से जहां पुलिस आयुक्त प्रणाली थी वहां से कुछ ना कुछ लिया, सीखा और आगे बढ़ने की कोशिश की और आज धीरे धीरे हम इस सोपान पर पहुंच गए जहां हम इसका प्रथम स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस आयोजन को किस तरह से किया जाए, इसमें जॉइंट सीपी क्राइम साहब और सीपी साहब ने मिलकर इसकी एक रूपरेखा तैयार की और इससे लोगों को या हमारे कर्मचारियों को इसका साथ एक यादगार पल बनाने के लिए इसमें बड़ा खाना जोड़ा गया। पहले ये परंपरा होती थी, सम्मेलनों के बाद बड़ा खाना होता था, निरीक्षणों के बाद होता था। काफ़ी समय से परंपरा नहीं पालन हो पा रही थी, लेकिन आज पुनः इसको पुनर्जीवित किया गया और इसके लिए मैं पुलिस आयुक्त साहब को बधाई भी देना चाहता हूँ। अभी कुछ प्रेजेंटेशंस के माध्यम से जो हम बातें कहेंगे उसको मैं यहाँ अभी प्रारंभ में नहीं कहना चाहता। मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, पुलिस परिवार की तरफ से अभिनंदन करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जिस परिकल्पना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन पर उतारा है उसको हम वास्तविकता के धरातल पर आगे ले जाएंगे और लखनऊ की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएँ की हैं या हम जहाँ तक उनकी बेहतरी के लिए प्रयास कर सकते हैं लगातार करने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चों का जिन्होंने बहुत ही मेहनत से सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किए उनका भी मैं स्वागत करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं कि एक अच्छी प्रस्तुति देंगे। मीडिया बंधुओं का मैं आभारी हूं जिन्होंने अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आगे कमिश्नरेट किस तरह से चलेगा, क्या हमारी कार्य योजनाएं हैं, हमने एक साल में किन लक्ष्यों को प्राप्त किया है और क्या हमारी चुनौतियां होंगी जिनको हम आगे प्राप्त करना चाहेंगे, ये कुछ प्रेजेंटेशंस के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। पुनः यहां उपस्थित सभी महानुभावों का, प्यारे बच्चों का मेरी तरफ से, कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से साधुवाद, आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम दीप प्रज्वलन के लिए आयुक्त महोदय को बुलाना चाहेंगे। श्रीमान सभी लोग अलग अलग क्षेत्र में बरामदगी की जो पोजीशन है ये आबकारी अधिनियम का है। इसमें भी आप देखेंगे कि हम लोग की जो बरामदगी है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, डकैती एवं लूट जो है एक ऐसा प्रमुख अपराधों में आती है जो मतलब जिसको कहा जाता है कि इस पर काफ़ी मीडिया अटेंशन भी होता है, जनसाधारण में एक असमंजस की भावना पैदा होती है। जब कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई थी तो अगर कोई हम लोगों से अपनी मन की बात पूछता तो हम लोग निश्चित रूप से लखनऊ के सभी अपराधियों से कहते कि हम लोग को कुछ समय दे दे, हम लोग अपने घर को व्यवस्थित कर ले, परंतु उनने कोई समय दिया नहीं।
और शुरुआत के 7 दिन में ही एक बहुत सनसनीखेज हत्या की घटना घटित हुई। उसके पश्चात कई और अन्य घटनाएं हुए, लूट के और कुछ फिरौती के अपहरण के लिए भी एक घटना हुआ, जिसको सफलतापूर्वक हम लोगों ने अनावरण किया और उससे ये एक संदेश देने में सफल हुए कि लखनऊ कमिश्नरेट आप जो आज के तारीख से जो है अपराधियों के क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने के लिए कटिबद्ध हैं, आप लोगों की ये कृत्य यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परम आदरणीय पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा जन सुनवाई पर जोर देने व उसके त्वरित तथा विधिक निस्तारण की प्रक्रिया ने जनमानस के समक्ष पुलिस का एक नवीन चेहरा प्रस्तुत किया है। वसीम बरेलवी जी की मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और उसे बेबस कर दिया। लखनऊ पुलिस ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक दिव्यांग बच्चे को न्याय दिलाती हुई उसकी दुकान फिर सचवाई। आधे घंटे के घंटे के अंदर में मेरी बच्ची मिल गई, उनकी ससुर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसे मेरी लड़की के ढूंढने में उन्होंने मदद की और मेरी लड़की को सर जिला प्रशासन ने क्या पुलिस सपोर्ट मांगा है, ये एक सेंटर पे कितने पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे? जिला प्रशासन ने पुलिस सपोर्ट मांगा है, मांगा नहीं, उन्होंने आप कह सकते हैं जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मिल के काम कर रहा है और जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम लोग पुलिस प्रबंधन आएंगे। आज का ट्रायल इसी पर्पज के लिए कि हम लोग भी अपना आकलन कर लें कहाँ पर कितना पुलिस प्रबंधन। शालिनी की ये योजना है जिसका उन्होंने शुभारंभ पुलिस अधीक्षक बांदा रहते हुए भी किया था। आप जानते होंगे कि जो हमारे न्यायालय मुकदमे चलते हैं, मुकदमों का विचारण होता है, उसमें माल के प्रस्तुतिकरण का, माल के प्रमाणीकरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सभी थानों में मालों की संख्या काफ़ी हो जाती है जो वहाँ पर लंबित होते हैं न्यायालय में प्रस्तुत होने के लिए, 1,000, 2,000, 5,000 तक पहुँच जाते हैं और वे समय से पहुँच नहीं पाते हैं न्यायालय में। तो ये ई मालखाना स्कीम का चीज शुरुआत की गई है। अभी हम लोगों ने एक थाने में शुरुआत की, विभूतिकरण थाने में, जिसको अगले चरणों में हम जनपद के सभी 40 थानों में ले जाएंगे। और स्कीम की मंशा यही है कि सभी जो माल हैं उस पर एक यूनिक नंबर पड़ जाए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसे हम पहचान पाएँ, उसका ठीक से व्यवस्थापन हो, ठीक से उसका रख रखाव हो, मेंटेनेंस हो और उसको हम समय से न्यायालय में प्रस्तुत कर पाएँ और न्यायालय में प्रस्तुत कर उसका न्यायालय में अभियुक्तों को सजा दिला पाएँ। धन्यवाद। तो आपने ये आज का पूरा कार्यक्रम देखा, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक आप देखते रहिए उदित राज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।